अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाईन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। तो आप लोगों का ये सेकेंड सीज़न हम कह लें ऐसे, तो उसकी ये लास्ट क्लास है आज, राइट। तो जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उसके अंदर हम हमेशा ये ट्राई करते हैं ना कि आपको एक डिफरेंट वैरायटी दें, जो पहले बात हुई थी उससे हम थोड़ा सा कंट्रास्ट में बात शेयर करते हैं। तो आज जो है वो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिस्कशन क्लास। उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई हदीस है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और फ्यू आयात ऑफ द कुरान या कोई बहुत इंटरेस्टिंग वाक़ा है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा का, तो उस तरह तो नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ डिस्कशन क्लास। अच्छा, अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने दी है हमें, एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, आउटसाइड वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं और जो उनकी जो वर्किंग है जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्या कहते हैं कि हम शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह ताला का, अनलेस एंड अनटिल हम बीमार हो जाते हैं, तब जाके हम बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि ओफ़ आज तो तबीयत ख़राब थी, बुखार था, पूरा बॉडी मेरा पेन कर रहा है। अदरवाइज़ ये कि हम जब तक हम हेल्दी होते हैं तब तक तो हम अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र नहीं अदा कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक नेमत ऐसी है हमारी जो हम उसको अगेन उसको हम काउंट नहीं कर रहे होते और हम वो मांग भी नहीं रहे होते बार बार। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप दुआ मांगते हैं या आपको दुआ सिखा दी जाती है, डू यू नो एनी दुआ जो कि मांगते हैं फॉर योर गुड हेल्थ? कोई दुआ है जो आपको याद हो? अल्लाहुम्मा आफिनी, हाँ वेरी गुड, माशाल्लाह। पूरी दुआ बताएं, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी फी समी अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता। क्या मतलब है इसका, ट्रांसलेशन क्या है? आफियत को क्या कहेंगे हम लोग? टर्किश में हमने देखा होगा ड्रामों के अंदर, वो खाना खाने के लिए क्या कहते हैं एंड में? आफियत तो कहते हैं ना, हाँ एंजॉय करें उसे। क्या मतलब है? टेक द प्लेजर ऑफ द फूड, राइट। प्लेजर कब ले सकते हैं हम लोग? जब हम हेल्थ की पोजीशन के अंदर होंगे, राइट। जब हेल्थ होती है तो हम प्लेजर ले सकते हैं। आपको ऑलरेडी नौजिया हो रहा था, आपको वॉमिटिंग हुई हुई थी, आपका जो है ना वो फूड पॉइजनिंग हुई हुई है, आपका दिल चाहेगा कि उस वक्त आपको कहेंगे पिज़्ज़ा खाना है आपने? उस वक्त टॉर्चर लग रहा होगा वो वाला, कि खा भी सकते हैं, दिल भी बहुत चाह रहा है लेकिन खाना भी नहीं है। तो आफियत या इन्जॉयमेंट जो है और ये कि वो आपके आप अच्छे हेल्थ में रहें, वो दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब आपकी फुल हेल्थ होती है, तब आप ब्लेसिंग्स को इन्जॉय कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आफियत देना फॉर माई होल बॉडी, समी सुनने में, बसरी देखने में, ठीक है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह आप सिर्फ आप हैं जो ये दे सकते हैं, सिर्फ आपके लिए ये पॉसिबल है ये करना। ठीक है, हम मेडिकेशंस भी कर लेंगे, हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे, लेकिन इवेंचुअली इट इज़ ओनली अल्लाह जो कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसी तरह ही एक और ब्लेसिंग है जो कि हम उसी दुआ के अंदर भी यूजुअली नहीं काउंट कर रहे होंगे, वो होती है हमारी मेमोरी, हमारी मेमोरी, ठीक है। वो एक ऐसी ब्लेसिंग अल्लाह ताला की कि फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि आपके कोई सर में फिज़िकल चोट आ गई है या कोई सर में दर्द हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम आप सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी की जो ब्लेसिंग होती है, मेमोरी की जो ब्लेसिंग है वो एक ऐसी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कि वंस अगेन कि जब हम उसको मिस करेंगे ना, तब हम उसको बहुत ज़्यादा, जब नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर, तब उसका एहसास होगा कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी अल्लाह ताला की। आप लोगों ने कोई ड्रामा, कोई मूवी, कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसमें कोई बंदा हो जो अपना मेमोरी लॉस हो गया उसको? कोई ड्रामा, कोई मूवी ऐसी देखी है आपने जिसके अंदर जो भी कोई फिगर हो उसके अंदर कोई भी, और उसका मेमोरी लॉस हो गया हो, ही कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग? कैसी मूवी है? है कोई मूवी देखी ऐसी यूसुफ को आप रिकॉल कर रहे हैं? इब्राहिम आपने देखी है कोई रिसेंट मूवी ऐसी? आपने बल्कि बॉर्न आइडेंटिटी देखी है? हाँ, उसमें हुआ था ना, हाँ, क्या क्या हुआ था उसे? एमनीजिया। और आप लोगों ने कोई देखी है ऐसी मूवी? ही कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग। अच्छा, जो बंदा नहीं रिमेंबर कर सकता जिन्होंने देखी है मूवी, वो उसके अंदर बताएं फिर क्या होता है उसके बाद? फिर वो एक एजेंट होता है जो अपना सारा कुछ, हाँ मूवी की स्टोरी नहीं,
मूवी की स्टोरी नहीं, फोकस करें इस बात के ऊपर कि फिर वो किस फीलिंग से गुजर रहा होता है, जिसको मेमोरी लॉस हो जाता है वो किस फीलिंग से गुजरता है, उनको समझ नहीं रहा होता कि हु आर दे एंड फिर वो दे नो देयर स्किल्स लेकिन एंड दे कैन नॉट। हां वो उसके अंदर क्या होता है, वो जिसको मिलता है उसको ये भी नहीं पता होता कि कौन मेरा फ्रेंड है और कौन मेरा एनिमी है, क्यों? ही कैन नॉट रिमेंबर, राइट? आपको किस तरह पता होता है कि समवन इज योर फ्रेंड? मेमोरी से, राइट? यू रिमेंबर इट, लास्ट वीक कौन कौन आया हुआ था इस क्लास के अंदर, कौन एबसेंट था, यू रिमेंबर इट, राइट? ठीक है, आपको याद होगा और आपको दूसरे भी याद होंगे। अगर आप कभी दोबारा जो है वो आपकी इनके साथ कभी दोबारा की मुलाकात होती है कहीं आउटसाइड किसी और जगह के ऊपर बाय चांस, तो आप एकदम से रिकॉल कर लेंगे ये कौन है, ये रिकॉल कर लेंगे ये कौन है, राइट? तो उस मूवी के अंदर क्या होता है, वो जिससे भी मिलता है उसको ये भी नहीं पता होता इनमें से कौन मेरा एनिमी है और कौन मेरा फ्रेंड है, उसको ये भी नहीं पता होता, बल्कि जो उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं वो उनसे क्या सवाल पूछता है, हु एम आई, मुझे बताओ मैं कौन था, कहाँ रहता था मैं, मेरा घर किधर है। तो उसके अंदर फिर क्या होता है, एवेंचुअली क्या होता है, वो उसको खुद कुछ नहीं पता कि वो कौन है, राइट? ही कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट द पास्ट, ही कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट द पास्ट। कोई बंदा जो पास्ट की मेमोरी को लूज कर गया हो, ही कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट, एनीथिंग एट ऑल, ठीक है? योर ओन नेम, आपके पेरेंट्स कौन है, आप कहाँ रहते थे, आप स्टूडेंट थे, जॉब करते थे, कि स्कूल जाते थे कि नहीं जाते थे, एनीथिंग एट ऑल, एनीथिंग एट ऑल, उसको कोई भी याद ना हो बात को, तो वो अभी बैठ के क्या कर रहा होगा, इन हिज प्रेजेंट वो क्या कर रहा होगा, सॉरी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होगा इससे पहले तो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है, नहीं उसको कुछ भी नहीं समझ लग रही होगी ना, वो तो प्रेजेंट भी नहीं गुजार सक रहा होगा सही तरह से, बिकॉज ऑफ योर पास्ट यू न्यू कि आज हमारी फ्राइडे है और आज हमारी फ्राइडे को क्लास होती है, तो ये आपको पहले से याद था, याद था ना आपको, ठीक है? कल सैटरडे है, सैटरडे आप सबको ऑफ है, ठीक है? किस तरह पता है आपको ऑफ है? हाँ हाँ, पहले से पता है ना आपको, इट इज पार्ट ऑफ योर मेमोरी, आपको पता है कि सैटरडे जो होता है वो वीकेंड होता है, स्कूल ऑफ होगा उस दिन, राइट? लेकिन अगर किसी का स्कूल का ट्रिप है, जिस तरह में से कल किसका ट्रिप है, यू ऑलरेडी हैड अ ट्रिप, यस यू ऑलरेडी हैड अ ट्रिप, लेकिन दो हमारे जो हैं पार्टिसिपेंट उनका कल ट्रिप है, हाउ डू दे नो? क्योंकि उन्हें पता है कि इसी वीक के अंदर फ्यू डेज अगो उनको डायरी में नोटिस आया था, उन्होंने फीस उसकी सबमिट करवाई थी, राइट? सो इवन वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, जो भी आप प्रेजेंट में भी कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज यू नो द पास्ट, बिकॉज यू नो द पास्ट, राइट? अभी आवाज़ आई थी हमें, किस चीज़ की आवाज़ थी ये बाहर से आ रही थी, जो अजान की, राइट? किस कौन सी अजान, किस नमाज की हो रही है, असर के लिए, हाउ डू यू नो अबाउट इट? मेमोरी, आपको किसी ने सिखाया था ना, किसी ने सिखाया था, बार बार री इन्फोर्स हो जा रहा है, एवरी डे आप ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपको नेचुरली पता है कि अभी कौन सी अजान हो रही है, असर की, और नेचुरली आपके माइंड के अंदर अलर्ट जनरेट हो गया, क्या असर की हमने नमाज भी पढ़नी है फिर उसके लिए, ठीक है? तो क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक साथ नमाज, लेकिन यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर, सही है? और इस क्लास में क्या होगा, अभी नहीं हुआ लेकिन क्या होगा, डिस्कशन, हाँ आगे आफ्टर दिस क्लास, यानी कि आज की गैदरिंग के अंदर गेम्स होंगी, आपको पता है, हाउ डू यू नो, हर दफ़ा करते हैं आप लोग, राइट? और उसके बाद एंड में क्या होता है, स्नैक्स होते हैं, है ना? स्नैक्स होते हैं, राइट? क्यों होते हैं स्नैक्स? क्योंकि आपको पता है हर दफा स्नैक्स आपको ऑफर होते हैं, अंडरस्टूड नाउ? ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक हो गया। लाइकवाइज आपको जो भी पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, स्कूल से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपने दोस्तों के साथ कोई कमिटमेंट्स की होती हैं, तो इमेजिन करके देखें कि खुदा ना खास्ता इफ समवन लूजेस ऑल ऑफ इट, समवन लूजेस ऑल ऑफ इट, फिर क्या होगा? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि अभी मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त बैठ के, अभी मैं क्या करूं? हो सकता है आप में से किसी को घर अगर जाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप घर अभी चले जाएं और घर में आपके पास फ्री टाइम है, हो सकता है किसी को याद होगा वो मैं अपनी मूवी पूरी कंप्लीट देख लेता हूँ, वो मैं गेम यहाँ तक मैंने स्टेज तक पहुँच गया था उसको मैं आगे कंप्लीट कर लेता हूँ, राइट? आपको पता है कि अगर कोई इवन टॉयज से खेलना है तो आपको पता है आपने टॉयज कहाँ रखे होते हैं, एवरी थिंग इज कनेक्टेड विद योर मेमरी एंड योर पास्ट, राइट? ठीक है, एवरी थिंग इज कनेक्टेड विद योर पास्ट एंड योर मेमरी।
तो इफ समवन लूजेस दैट ट्रेजर, ये खजाना अगर गुम हो गया ना आपसे, ट्रेजर का ये वाला मेमोरी का, तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? ब्लैंक होंगे, यू विल नॉट बी नोइंग कि मुझे क्या करना चाहिए. ऐसे ही होगा ना, है ना? नो, फिर ऐसे होगा, ऐसे ही होगा. अगर आप लूज कर लेंगे तो आपको अभी करंट प्रेजेंट आपने क्या करना है, आज मैं शाम तक मैंने क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता होगा आपने क्या करना है. तो आपको, आपके जहन में कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता मैं स्कूल जाता था कि नहीं जाता था, कोई होमवर्क भी था कि नहीं था, कुछ चीज़ मैंने प्रिपेयर करनी है कल तक के लिए कि नहीं करनी, नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है, एग्जाम्स कब हो रहे हैं, नथिंग एट ऑल. सो योर प्रेजेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. और अगर आपका करंट प्रेजेंट आप ब्लैंक है, आपको कुछ नहीं पता कि आपने क्या करना है, तो 100% क्या चीज़ कन्फर्म है? यू हैव नो आइडिया कि फ्यूचर मेरे प्लान्स क्या हैं, राइट? फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी आप में से हर एक को, ऑल ऑफ यू नो कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स कब होने हैं, छुट्टियां कब आनी है, सबको पता है ना? और उसके बारे में अगर आपने कोई प्लान आउट भी किया होता है, या पेरेंट्स भी प्लान आउट करते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं ना, चाहे वो फ्यूचर बहुत नियर फ्यूचर हो फ्यू वीक्स के बाद, या वो हो फ्यू मंथ्स के बाद हो. अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी ना, ही विल बी अ लाफिंग स्टॉक. हर कोई उसको देख के हंसा करेगा, कहेंगे ये देखो पहले ही कन्फ्यूज है, इसको और कन्फ्यूज करते हैं, इसको हम मिस इन्फॉर्मेशन बताते हैं, शरारत करते हैं इसके साथ. और तुम्हें पता तुम्हारा घर ये वाला है, वो अपना घर समझ के अंदर जाएगा तो क्या होगा? वो तो घर समझ के जाएगा तो क्या होगा? हाँ, उसको उसको घर से कहेंगे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ गए हो? कहेगा मेरा घर है ये. और क्या हो सकता है इस तरह, और क्या फनी चीज़ हो सकती है इस तरह? जी वो कहीं भी जा सकते, उसको आप जिस तरह मर्जी फूल करते जाए. कोई आके कह दे ओ यार याद करो तुमने कल मुझे ना 5,000 रुपीज़ देने थे मुझे, उसको तो याद भी नहीं कि 5,000 रुपीज़ देने थे उसने, राइट? तो उसको किस किस कदर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, है ना, कितना फूल बना सकते हैं उसे. और क्या शरारत आ रही है आपके जहन में, और क्या सोच सकते हैं, और किस तरह फूल बनाया जाए उसे? पैसे भी ले लिए उससे, तुमने हमें ट्रीट भी खिलानी थी, है ना, तो ट्रीट भी खा ली उससे. तो वो जितना भी टाइम स्पेंड करेगा लोग उसका सिर्फ मजाक उड़ाते रहेंगे, ऐसे ही है ना? ठीक है, मैं समझा दिया आपको पॉइंट, समझ लग गई सबको? ठीक हो गया. अच्छा, सेम इज द केस विद द मुस्लिम उम्मा इन दिस वर्ल्ड नाउ. इन टूडेज वर्ल्ड सेम इज द केस विद द मुस्लिम उम्मा. मुस्लिम उम्मा किसे कहते हैं हम लोग? All Muslims, right? The community that all Muslims make, वो Muslim Ummah है. Muslim Ummah is not just a province, कोई city का नाम नहीं है, right? किसी colony का नाम नहीं है, किसी country का नाम नहीं है, किसी continent का नाम नहीं है. Muslim Ummah हम किसे कहते हैं? All the complete Muslim community, complete Muslim community. Whether वो Muslims पाकिस्तान में हैं या कहाँ पे, और सऊदी अरेबिया में है, और इजिप्ट हो गया, लेते जाए जहाँ जहाँ आपको पता है मुस्लिम मुस्लिम है, मिडिल ईस्ट, फुल ऑफ मिडिल ईस्ट हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अजरबैजान में भी होंगे मुस्लिम्स, हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट अब बताएं कोई ऐसा कंट्री मुझे बताएं जहाँ पे कोई जीरो मुस्लिम हो. नहीं, फ्रांस में बहुत मुस्लिम्स हैं. फ्रांस में आफ्टर यूके सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स होंगे. इसराइल में बहुत मुस्लिम हैं, क्योंकि इसराइल बना ही कहाँ था? पैलेस्टाइन की लैंड के ऊपर. यस अब्दुल हसन, वेटिकन सिटी में मैं भी कोई रह रहा हूँ मुस्लिम, अनहोनी बात तो नहीं है. बिकॉज इटली के अंदर गैस इज़ वेरी गुड, हिज गैस इज़ वेरी गुड, बिकॉज वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री, वेरी गुड, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द मोस्ट लिमिटेड पॉपुलेशन. बहुत थोड़ा सा, अ फ्यू स्ट्रीट्स है सिर्फ, दैट्स द होल कंट्री. तो गैस इज़ वेरी गुड, हो सकता है, बट आई डाउट कि ये भी होगा कि वहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम, सॉरी, कोई मुस्लिम नहीं रह सकता वहाँ पे, मे बी. और कौन से बोल रहे हैं? अंटार्कटिका जो है ना, उसके अंदर आपको पता है नो वन लिव्स देयर. तो नो वन लिव्स इन अंटार्कटिका, राइट? हाँ, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता ना. हाँ, तो ये तो वो बात हो गई, आप कहते हैं मार्स, राइट? ये तो आप कहते हैं मून. अमेरिका, अमेरिका में यूसुफ बताए कितने मुस्लिम्स हैं? हाँ, तो इसलिए तो ऑल द मुस्लिम्स, यानी कि हम सबसे अच्छी एक गेस्ट थी, लेकिन उसके ऊपर भी मुझे डाउट है. तो हार्डली कोई कंट्री होगा
अगर हो भी गया नहीं, चेक रिपब्लिक में होते हैं मुस्लिम्स, कोस्टरिका में भी होते हैं मुस्लिम्स, वहाँ भी होते हैं, ठीक है, तो हार्डली कोई, शायद ही कोई कंट्री हो, राइट, शायद ही कंट्री हो। सो आप बताएं मुझे कि आप बताएं उम्मा किसे कहेंगे, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा किसे कहेंगे हम? यस, वेरी गुड। ऑल द मुस्लिम्स लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, वी आर कनेक्टेड विद वन अनदर। किस तरह कनेक्टेड है? थ्रू इस्लाम, द कॉमन फेथ, राइट। इवन दो के इनमें से बहुत सारे कंट्री जहाँ पे आपने नाम लिए हैं, उनकी रेस फ़र्क होगी, उनकी लैंग्वेज फ़र्क होगी, उनका कल्चर फ़र्क होगा, सो मेनी थिंग्स विल बी सो डिफरेंट, लेकिन वी आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर थ्रू इस्लाम, थ्रू फेथ, ठीक है। सो उसके नाउ दिस होल उम्मा, दिस होल उम्मा, अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ ऑल्सो बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन द वर्ल्ड, ठीक है, दिस हैज़ ऑल्सो बिकम अ लाफिंग स्टॉक। जिस तरह आप दूसरे किसी और को तंग कर रहे हो ना, छेड़े हो कि ये करो, ये कर लो, तुमने हमें ये करना था, तुमने हमारे साथ वो करना था, और मुस्लिम उम्मा जो है, जिस तरह वो बंदा ही हैज़ नो आइडिया कि उसने अभी क्या करना है, उसको ये भी आइडिया नहीं है कि उसने 10 डेज़ के बाद क्या करना है, उसको ये भी नहीं आइडिया नेक्स्ट ईयर मेरे प्लान्स क्या है। लाइक वाइज ओवरऑल मुस्लिम उम्मा, उनको भी पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो इसी तरह ही कन्फ्यूज़ है, प्रोग्रेस नहीं कर रही, स्टैग्नेंट है। जैसा मैं कहा था, जो बंदा कंफ्यूज, जो मेमोरी नहीं होगी जिसके पास, वो क्या होगा? स्टैग्नेंट होगा बिल्कुल, उसे कुछ भी नहीं पता अभी बैठ के मैं क्या करूं। तो मुस्लिम उम्मा कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही, मुस्लिम उम्मा कोई एडवांसमेंट्स नहीं कर पा रही, मुस्लिम उम्मा के कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, राइट। देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिस तरह अभी आपको पता है पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, तो क्या फैक्टर क्या कह रहे होते हैं वो, किस वजह से फ्लड्स आ रहे थे? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, और उसका एक और टर्म होती है उसके साथ, नहीं नहीं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को ब्लेम कर रहे होते हैं ना, राइट, क्लाइमेट चेंज को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज है ना, उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं कि बाय द ईयर 2030 हम अपने कंट्री में ये चेंजेस ले आएंगे, बाय द ईयर 2024 फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स हमारे कंट्री में बैन हो जाएंगे, बाय द ईयर 2040 हमारे जो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सोलर एनर्जी होगी या विंड एनर्जी होगी, जिसको वो ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं, बाय द ईयर दिस, बाय द ईयर दैट, उनके कोई ना कोई प्लान्स होंगे, एक्सेप्ट फॉर कंट्रीज लाइक अस, एक्सेप्ट फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वी डू नॉट हैव एनी प्लान्स, ठीक है, वी डू नॉट हैव द विल, हमारा, हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो सिर्फ अभी करंट चीज़ें कर रहे हैं, राइट, ठीक है। सो जो पॉइंट आप लोगों को मैंने एम्फसाइज करवाना था वो ये था कि बिकॉज वी हैव बीन डिसकनेक्टेड विद आवर ग्लोरियस पास्ट, हम भी अपनी मेमोरी को भूल चुके हैं एज अ मुस्लिम नेशन, हमें पास्ट का, मुस्लिम नेशन का, हमें उम्मत का हिस्ट्री और हमें उसका बैकग्राउंड, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, हम भूल गए हैं उन चीज़ों को, राइट, हम भूल गए उसे, बिकॉज नेशंस, हाउ डू नेशन सर्वाइव, नेशन किस तरह सर्वाइव होते हैं, वन जनरेशन मेक सम प्रोग्रेस, नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को पर्पस भी बता देते हैं कि आपके, आपका टास्क क्या होगा, दिस मच वी हैव अचीव्ड, दिस मच यू हैव टू अचीव, राइट, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो लाइक वाइज मुस्लिम उम्मा जो है, या मुस्लिम नेशंस हैं, दे आर डिसयूनाइटेड, स्कैटर्ड, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिर्फ एक लाफिंग स्टॉक बने हुए पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर। आप लोगों ने अपने हु हैज़ डिसाइडेड कि उसने बड़े होकर क्या करना है, प्रोफेशंस डिसाइड किए हैं, कुछ थॉट अबाउट इट, जस्ट रेज योर हैंड्स, कुछ तो सोचा है ना आप सब ने, राइट, बेसिक प्लान चेंज हो रहे हैं। चलें स्टार्टिंग विद यू, एयरफोर्स फाइटर पायलट, फाइटर पायलट, इधर बास्केटबॉल या वॉलीबॉल प्लेयर, लेकिन लाइक अदर देन दैट ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर, वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सम अदर कंट्री, प्राइम मिनिस्टर, अच्छा चलें ठीक है, सॉरी सर, कुछ तो थॉट्स आती है ना, नहीं श्योर बेशक ना हो, लेकिन बेशक टू थिंग्स हो, थ्री थिंग्स हो, कितनों ने बताया कि दो दो चीज़ें हैं, सबसे क्लियर वो हैं,
कि प्राइम मिनिस्टर बनना है मैंने, सबसे क्लियर वो है. डॉक्टर. ठीक है, सही. उन्होंने अभी ये नहीं सिर्फ कहा कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है, डायरेक्ट मैंने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना है मैंने. वेरी गुड अब्दुल्ला. अच्छा हाँ जी, फाइनल पे क्या है? डॉक्टर. क्या हुआ? He said he wants to work in McDonald's. तो फ्री लंच तो नहीं मिलेगा? If that's the only reason. One free meal a day मिलता है McChicken खाने. For one only meal है, आप पूरे दिन सर्व करते रहेंगे लोगों को. अच्छा चले, तो पहले वाला आइडिया ज़्यादा अच्छे थे, कोई एथलीट बन जाए या किसी उसमें चले जाए, वो ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ थे. अच्छा anyway, ये बताएं मुझे कि अब आपको कोई बताता है, आपका कोई कोई फ्रेंड आया या कोई आपके घर में गेस्ट आते हैं और आपको वो बताते हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो आप बनना चाह रहे हैं. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आप में से किसी एक ने ना डॉक्टर की बात की थी, लेट्स अज्यूम. तो दो लोग आते हैं ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर टू यू और वो आके बताते हैं कि दोनों बता रहे हैं कि हाँ जी हम भी डॉक्टर बन रहे हैं, दोनों कह रहे हैं हम दोनों डॉक्टर की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं. एक कहता है कि आपका कहाँ से आप, वो कहता है कि मैं रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, और एक बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ मैं वहाँ से मैं बन रहा हूँ. आप किससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, किससे ज़्यादा इंप्रेस होंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले से एकदम से होंगे कि हाँ ऑस्ट्रेलिया मैंने भी इधर जाना है. आप ये तो नहीं कहेंगे रावलपिंडी मैंने भी रावलपिंडी वाली यूनिवर्सिटी में जाना है मैंने, ऐसे तो नहीं कम होगा ना, राइट? अब उससे ज़्यादा इंप्रेस होंगे. ठीक हो गया. अच्छा इसी तरह को आपसे पूछता है कि वेकेशंस के लिए कहाँ जा रहे हैं ना आप लोग, समर वेकेशंस आएंगी तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो जो कहेगा कि जी हम कराची जा रहे हैं खाला के घर, राइट? और कोई कहता है कि हम लोग जा रहे हैं नॉर्वे जा रहे हैं हम लोग. कोई कहता है कोई यहाँ के एरियाज़ के नाम लेता है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के, कोई बाहर की कंट्रीज़ के नाम लेता है. आप कहाँ जा रहे हैं? आप अमेरिका जा रहे हैं, राइट? सो किससे ज़्यादा आप इम्प्रेस होंगे या आपका कहाँ ज़्यादा दिल चाहेगा? जो बाहर जा रहे होंगे ना आपको उनका ज़्यादा दिल चाहेगा. आप भी अपने अम्मी अबू का या पेरेंट्स को जाके कहेंगे कि छोड़ें लाहौर कराची उन जगहों को, हमने भी फॉरेन ट्रिप पे जाना है हमने, राइट? और फॉरेन ट्रिप में भी हमने किन कंट्रीज़ में जाना है? कोई यूरोपियन कंट्री होनी चाहिए ना, कोई अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, कोई और ऐसी कंट्री हो. ये तो नहीं कि बाहर की कंट्री जाना है, कौन सी कंट्री जाना है, अफगानिस्तान जाना है हमने, वो तो नहीं जाना चाहेंगे ना आप लोग. ठीक है. सो कितनी सरप्राइजिंग बात है वैसे कि आपको पता है कि देर वॉज अ टाइम जब पूरे यूरोप के अंदर ना कोई एनवी करते थे सब लोग, उस सब लोग एनवी करते थे कि हम लोगों ने कहाँ जाना है, हम लोगों ने बगदाद जाना है, बगदाद की यूनिवर्सिटी से पढ़ना है. बगदाद कहाँ पे है? आजकल के इराक में, राइट? देर वॉज अ टाइम जब वो लोग स्पेन की यूनिवर्सिटीज होती थी, कॉर्डोबा ग्रेनेडा की यूनिवर्सिटी होती थी, वो कहते हमने यहाँ जाके पढ़ना है, दैट वॉज देयर टारगेट. वो उनके लिए एज गुड एज हार्वर्ड होता था, एज गुड एज स्टैनफोर्ड होता था, वो एज गुड एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होता था, राइट? ठीक है. नॉलेज में आपका कोई भी बेशक डिफरेंस ना हो, नॉलेज में कोई डिफरेंस ना हो, लेकिन आप लोग कितने होंगे जो उस पाथ पे अट्रैक्ट होते हैं कि आपके पेरेंट्स ये डिसाइड कर लें कि आप बेटा आपने ना आपने मैट्रिक करना है. आप लोग उस पर होंगे, आप लोग कहेंगे नहीं नहीं सब कर रहे हैं IGSE कर रहे हैं, सब लोग वो लेवल्स कर रहे हैं, मैंने भी वही करना है वो लेवल्स, ऐसे ही है ना, राइट? उसका आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग क्यों करना चाह रहे हैं? स्टेटस को है, इट रिप्रेजेंट समथिंग कि आप बहुत प्रिविलेज हैं, आप बहुत अपर हैं बाकियों से. इसलिए लोग बहुत सारे लोग जो है ना वो ओ लेवल्स और जो IGSE और ये कर रहे होते हैं, कोई क्लियर रीज़न के लिए कर रहा हो वो एक जस्टिफाइड बात है, लेकिन अदरवाइज मेजॉरिटी हम लोग जो हैं पाकिस्तानी वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं कि इट इज़ अ स्टेटस सिंबल नाउ कि हाँ वो लेवल्स किया हुआ इसने. लेकिन कैसी सरप्राइजिंग बात है, द होल ऑफ यूरोप वो डाइंग एंड डेस्परेट के किसी तरह से हमें जो अरब यूनिवर्सिटीज़ होती थी वहाँ पर हमें एडमिशन मिल जाए, बगदाद की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए. दे वर डाइंग कि हमें स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाए, वो यूनिवर्सिटीज़ जो मुस्लिम्स के अंडर आती थी, वो यूनिवर्सिटी जो मुस्लिम्स के अंडर आती थी हाईली प्राइज्ड होते थे, उन लोगों को इस कदर रिस्पेक्ट दी जाती थी ना कि फॉर एग्जांपल फ्रांस में कोई बंदा है, इतना बंदा रिस्पेक्टेड है जस्ट बिकॉज ही गॉट एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम मुस्लिम स्पेन, या ही गॉट मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम इस्फहान. ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो होते थे वो ईरान का शहर होता है इस्फहान, वहाँ पर होते थे. तो देयर वॉज अ टाइम ऑल्सो कि ये भी होता था.
देर वॉज अ टाइम के जब लोग जो है ना मुस्लिम कंट्रीज में आके विजिट करते थे और एनवी करके लिखा करते थे कि अमेजिंग एस्टोनिशिंग। मुस्लिम्स के एक खलीफा गुजरे हुए हैं, उनका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। किसने सुना हुआ नाम उनका? पहले मुस्लिम्स के एक रूलर है, खलीफा गुजरे हुए उमर बिन अब्दुल अजीज, राइट? हाँ, ये उमर बिन अब्दुल अजीज जो है, इनके टाइम के अंदर ये हुआ था कि ही डिसाइडेड या ही थॉट के जो दमस्कस की बड़ी मस्जिद है, मेन मस्जिद है ना, उमैयद मस्जिद उसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेविश थी, बहुत ज़्यादा ना वो थी। तो ही थॉट कि दिस इज़ मे बी ये बहुत फजूल स्पेंडिंग हुई भी है, वाई नॉट कि उसकी जो लेविशिंग चीज़ें हैं ना उनको हम डिसमेंटल कर दें, उतार दें और पुअर लोगों के अंदर या कि और दूर इलाकों के अंदर कोई पुअर लोगों ना या उधर के यूज़ कर लें या किसी और चीज़ के अंदर यूज़ कर लें। लेकिन देन ही केम टू नो के नॉन मुस्लिम्स कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं हमारे इन बिल्डिंग्स को देखने के लिए, स्टार्टल होते हैं वो आके, इतने ज़्यादा वो सरप्राइज होते हैं, वो अमेज होते हैं कि इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर बनाया हुआ उन्होंने। सो ही डिसाइडेड फॉर दिस बेनिफिट लेट इट बी दैट वे, जाने देते हैं हम इसे, इस तरह ही रहे हम उनसे वो इम्प्रेस होते रहे। अभी हम जाके बाहर की कंट्रीज के अंदर जो उनकी बिल्डिंग्स और उनको अमेज होते हैं जाके, एक देयर वाज अ टाइम जब हमारी सिटीज़ को आके वो देखा करते थे विद अमेजमेंट, और हमारे सिटीज़ के अंदर बुरा हाल होता था उनकी हेल्थ सर्विसेज का, सैनिटरी का, और हमारी स्ट्रीट्स को और सिटीज़ को आके वो देखा करते थे, कहते कितनी साफ़ सुथरी सिटीज़ हैं, लाइटिंग सिस्टम कितना अच्छा है उनका, किस कदर अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। तो ये आप सबको पता है, व्हाट इज दिस, राइट? $1 नोट, राइट? और ये कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। किसी ने देखना है, बारी बारी रोटेट करा लें, गौर से देखना है, देखते जाएं रोटेट करा दे, फ्रंट बैक देखते जाएं रोटेट करते जाएं से। $1 कितने रुपीस के आजकल? 2.62 फ्लक्चुएटिंग। क्या कह रहे हैं आप, पूछ क्या रहे हैं अब्दुल्ला? हाँ, रियल है, रियल है ये, राइट? सो ये कितने रुपीस का हो गया हमारे? 260 समथिंग, कभी 270 तक भी गया हुआ था, 274 तक भी गया हुआ था। इट इज़ रियल, बस पार्टनर देना है इसे आप, ठीक है, सही है। अच्छा, अब सरप्राइजिंग बात क्या है, यू नो, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं, आप न्यूज़ में क्या देख रहे होते हैं? डॉलर्स कम है हमारे पास, राइट? हमारे पास डॉलर्स कम है, पाकिस्तान इसलिए इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। लेकिन कितनी सरप्राइजिंग और अमेजिंग बात है कि 1795 के अंदर, राइट, 1795 के अंदर, व्हेन दिस सेम प्रेसिडेंट, एंड बाय द वे ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, राइट? ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सेम प्रेसिडेंट था इन 1795, और मुस्लिम्स का उस वक्त सुल्तान सलीम द थर्ड था, राइट? इसने रिक्वेस्ट भेजी थी कि प्लीज़ हम ट्रेड करना चाहते हैं आपकी लैंड्स के अंदर, हम आपकी लैंड्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, प्रोवाइड अस सिक्योरिटी और प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटी, प्लीज़, जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना बाहर की कंट्रीज़ के साथ, प्लीज़ हमें ये दें, हाँ प्लीज़ हमें ये दें, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करें। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जो हमारे शिप्स हैं और हमारी चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं, स्टील हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें प्लीज़ शेल्टर दें। जस्ट द नेम ऑफ द सुल्तान, ये बहुत बड़ी पावर की बात होगी हमारे लिए कि सुल्तान ने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है। दे रिक्वेस्टेड और एग्रीमेंट हुआ फिर 1795 के अंदर, और इस एग्रीमेंट में पता क्या हुआ था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था। अगर हम अभी जाके अमेरिका से कोई एग्रीमेंट करते हैं, किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा? उर्दू में, इंग्लिश में होगा। क्यों, वाई नॉट उर्दू? वो इस वक्त की जो वर्ल्ड पावर है उसकी लैंग्वेज है, इन शॉर्ट, राइट? इन शॉर्ट, जो इस वक्त की वर्ल्ड पावर है वो उसकी लैंग्वेज है। तो उस वक्त की जो वर्ल्ड पावर ऑटोमन एम्पायर था, उनकी लैंग्वेज क्या थी? टर्किश, राइट? इट वॉज रिटन इन टर्किश, दिस एग्रीमेंट वॉज रिटन इन टर्किश, और डिसाइड ये हुआ था कि 12,000 अल्जीरियन एक एसेट होता था जो गोल्ड का बना होता था, अमेरिका ने कहा था हम आपको ट्रिब्यूट पे किया करेंगे, ट्रिब्यूट पे किया करेंगे हम आपको, राइट? व्हाट इज़ द ट्रिब्यूट? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, गिफ्ट,
ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। 12,000 हम आपको अल्जीरियन, एक वो गोल्ड के हुआ करता था, एसेट होता था, हम आपको वो दिया करेंगे 12,000, जो कि अमेरिकन $21,600 का होता था। अमेरिका ऑफर्ड अस डॉलर्स, हमने कहा डॉलर्स की क्या वैल्यू होती है, राइट, डॉलर्स की क्या वैल्यू है, गिव अस सम रियल थिंग। उनके लिए $21,600 का वो पड़ता था उस ज़माने में, जो कि यू कैन इमेजिन इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट, बिकॉज मनी डी वैल्यू हो रहा था ना, इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। तो हमने वो नहीं एक्सेप्ट किया था मुस्लिम ने, हमने कहा था नहीं 12,000 हमें आप अल्जीरियन जो गोल्ड हैं वो दे दें आप। जस्ट इमेजिन कि ये हाल था। दिस इज अ बुक विच आई हैव ब्रॉट, आई कैन नॉट इवन रिमेम्बर, ये बुक देखें नेशनल जियोग्राफिक ने लिखी हुई है, लेकिन बुक क्या है, 1001 इन्वेंशन। किसकी इन्वेंशन है ये, मुस्लिम्स की इन्वेंशन है, 1001 इन्वेंशन, जो कि वर्ल्ड, जिसने वर्ल्ड ने फायदा उठाया वो। लेकिन अभी बताएं हम कौन सी इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई इन्वेंशन पता है आपको? और इसके अंदर इन्वेंशन का मतलब ये नहीं है कि कोई एक चीज़ है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन दिस बुक, राइट। इस बुक के अंदर इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं कि कुछ हैं जो कि क्लिनलीनेस से रिलेटेड हैं, जस्ट क्लिनलीनेस से रिलेटेड, कि मुस्लिम सिविलाइजेशन ने क्या दिया था उसके अंदर, वो शैम्पू साबुन वो सब चीज़ें भी हैं। ये तो आप लोग बहुत शौक से करते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रूबिक्स क्यूब। कभी आप सोच सकते थे कि रूबिक्स क्यूब का कोई मुस्लिम हिस्ट्री से ताल्लुक हो सकता है, कभी सोच सकते थे? क्लॉथ, नए नए किस्म के क्लॉथ किस तरह से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, नॉट जस्ट के जो मुस्लिम इन्वेंशन के अंदर, यानी कि न्यू टाइप्स ऑफ क्लॉथ। लाइकवाइज मुस्लिम इन्वेंशन, कैन यू थिंक ऑफ इट, कि इतना फॉर्मल जो है। आई ऑल्सो सॉ ब्रिटिश बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर थी, हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसमें उन्होंने बताया था, प्रोफेसर ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा था कि जब क्रूसेड्स हुई थी और हमारी आर्मीज गई थी, हमारी आर्मीज ने जाके मुस्लिम से सीखा था कि पीएचडी क्या होती है, स्कॉलर किसे कहते हैं, थीसिस क्या होता है, साइटेशन किसे कहते हैं, ऑल द टाइटल्स जो रिलेटेड टू एजुकेशन है ना आजकल जो हम पढ़ रहे होते हैं, वो सारे के सारे किसने सीखे थे, मुस्लिम्स लैंड से सीखे थे। यानी कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, बुक शॉप्स, देयर आर लाइब्रेरीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। फिर केमिस्ट्री का चैप्टर आ रहा है उसके अंदर कि केमिस्ट्री क्या, यानी कि इसके अंदर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, मुस्लिम ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए क्या किया था, वाटर सप्लाई सिस्टम, शहरों के अंदर वाटर कैसा सप्लाई होना चाहिए, नॉट जस्ट कि एक वेल है और लोग बस बकेट्स भर के लेके जाएं और उसको वो फिल किया करें, राइट। इसी तरह इस पूरी टेक्सटाइल्स, पॉटरी, करेंसी, सर्जिकल आइटम्स, ब्लड सर्कुलेशन, बोन स्ट्रक्चर्स, सो मैनी थिंग्स, यानी कि 1001। अब इसके अंदर इतना कुछ है, आर्किटेक्चर भी इसके अंदर है, इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी इतना कुछ है, इसके अंदर सो मैनी थिंग्स, मेडिसिन का चैप्टर आया नहीं इसके अंदर। जस्ट इमेजिन करके देखें कि इतनी चीज़ें, मैंने तो आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें दिखाई है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बताएं आप, कोई हमारी पूरी दुनिया के अंदर कोई एक अच्छी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो आप कह सकते हो कि यार दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, या कोई स्कूल्स ऐसे होते हो, या कोई एनीथिंग एट ऑल, कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ हो जाए, ये कैमरा यूज़ हो रहा है ये वाला, कोई मोबाइल फ़ोन ऐसे हो, नथिंग एट ऑल। व्हाट वी आर लैकिंग इज़ क्या, वी शुड हैव सम एसोसिएशन विद आवर हिस्ट्री, राइट। फिर उसके साथ क्या है, मोटिवेशन हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है क्यूरियोसिटी। व्हाट इज़ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी किसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट होना, यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट, व्हाई दिस, व्हाई लाइक दिस, व्हाई नॉट दिस, ये होता है ना क्यूरियोसिटी, राइट। तो फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न लाइट्स का पता है कि आप लोगों को नॉर्दर्न लाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो फॉर सो मेनी ईयर्स जो वहाँ के रहने वाले लोग होते थे, वो क्या समझते थे उस बारे में, वो समझते थे एंशियंट स्पिरिट्स हैं हमारे, राइट। वो क्या समझते थे, क्यों एंशियंट स्पिरिट्स हैं हमारे, ये वो होते हैं, ये उनकी लाइव्स होती हैं, वो उनकी सोल्स यहाँ पे रोम कर रहे होते हैं और उस तरह करके हो रहे थे, राइट। लेकिन वो फिर कोई क्यूरियस माइंड आई थी जिसने कहा था कि नहीं, व्हाट इज़ कॉजिंग दिस, हमें वो स्टडी करना चाहिए। अब आप बताएं क्या कॉज करता है उसे, व्हाट कॉजेज इट,
ठीक है. सो गो फाइंड इट आउट देन. राइट, देखा था ना आप सबने, नॉर्दर्न लाइट सबने देखी हुई है ना, पिक्चर्स और मूवीज देखी हुई है ना. तो ये होना क्या चाहिए, गो फाइंड इट आउट, ट्राई टू सर्च इट ऑन द इंटरनेट कि वो लाइट ऐसी क्यों होती हैं, किन कलर्स में होती हैं वो. हाँ, वो कलर्स चेंज करती हैं, ग्रीन भी होती हैं, रेड भी होती हैं, कभी पिंकिश भी हुई होती हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्वा कलर भी आता है, स्विच करती रहती हैं. व्हाट इज कॉजिंग देम टू चेंज, एग्जैक्टली क्या चीज़ है, एंड व्हाई, व्हाट इज कॉजिंग देम टू डू बिहेव लाइक दिस. ठीक है, अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल ये कि एक फिश मिली थी, जेली फिश तो देखी होगी ना आप सबने, जेली फिश देखी. इसी तरह ना एक रेगुलर फिश भी, अभी कुछ अर्सा पहले ही वीडियो आई थी उसकी, जो कि अंडर वाटर एक जगह से मिली है, अगेन एक रेगुलर फिश, लेकिन जेली फिश की तरह दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. ठीक है, वाटर की तरह तो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, क्या होते हैं ये, हाँ सी थ्रू होते हैं ना, यू कैन सी इनसाइड द बॉडी भी नज़र आ रहा है आपको, और उसके बियॉन्ड भी नज़र आ रहा है. राइट, उसका ब्रेन भी नज़र आ रहा है डायरेक्ट आपको, ऑर्गेन्स भी नज़र आ रहे हैं, और उसके बियॉन्ड भी नज़र आ रहा है आपको. हमारे जैसे जो आजकल के मुस्लिम्स होंगे वो देखेंगे, अच्छा जी बहुत अच्छी पिक्चर है ये तो, बड़ी अमेजिंग चीज़ है वो, लेकिन रियल सेंस में क्यूरियस माइंड क्या करेगा उसे बताएं, वो स्टडी करेगा क्या, व्हाट मेक्स दिस एनिमल ट्रांसपेरेंट, किस तरह ट्रांसपेरेंट है, इसकी बॉडी में, इसकी स्किन में क्या चीज़ है कि ट्रांसपेरेंट है. और अगर ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है तो उसका क्या मतलब है, हम भी कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं फिर तो. ऑल वी नीड टू डू इज स्टडी इट. राइट, ठीक है. अच्छा, हमने एरोप्लेन्स की बात की थी पीछे, और एरोप्लेन्स के जो बिगेस्ट कंपनीज हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है. राइट, तो आप किसी भी कमर्शियल एयरलाइन पर ट्रैवल करते हैं, कंपनी का नाम पता है जो एरोप्लेन बनाती है, एयरलाइंस का नहीं, वेरी गुड, बोइंग एंड एयरबस. देर आर चाइनीज कंपनीज ऑल्सो, दे आर रशियन कंपनीज ऑल्सो, लेकिन जो ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सी हैं, एयरबस एंड बोइंग. कहाँ की हैं ये, बोइंग कहाँ की है, नहीं US, एयरबस कहाँ की है. लेकिन आपको ये बात पता है कि फर्स्ट फ्लाइट कब हुई थी, वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट फ्लाइट वॉज मेड बाई अ मुस्लिम एंड ही बिकेम क्यूरियस. के हमेशा से हर इंसान ने हमेशा से बर्ड्स को देखा है, लेकिन ही बिकेम क्यूरियस कि बर्ड्स कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो फ्लाई कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो फ्लाई कर रहे हैं, इफ दे कैन फ्लाई तो फिर वी कैन ऑल्सो फ्लाई, ऑल वी नीड टू डू इज अंडरस्टैंड हाउ. वो इंजीनियरिंग अंडरस्टैंड करनी है आपने कि हाउ इज इट पॉसिबल. राइट, या बर्ड्स ग्लाइड करती हैं, जब वो अपने विंग्स को नहीं भी कर रही होती, ग्लाइड कर रही होती हैं तो किस तरह कर रही होती हैं. ऑल दे नीडेड, ऑल ही नीडेड वॉज टू अंडरस्टैंड के एयर और एरोडायनामिक्स कैसे वर्क करते हैं. दैट वॉज ऑल, दैट वॉज ऑल जो रिक्वायर्ड था क्यूरियस होने के लिए. राइट, सो आई वॉन्ट यू कि आप लोग क्या करें कि एक तो कुछ क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, जस्ट लाइक हमने नॉर्दर्न लाइट्स का डिस्कस किया था, मैंने आपको आंसर नहीं बताया, पर्पजली नहीं बताया. आई वॉन्ट यू टू गो फाइंड आउट कि वो लाइट्स क्यों रंग चेंज कर रही होती हैं, वट कॉजेज देम, और वो लाइट्स क्यों रंग चेंज कर रही होती हैं. ठीक है, अभी हम लोग हर वक्त कहीं पर भी आपने आना हो जाना हो तो आप लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल मैप यूज़ कर रहे होते हैं. राइट, टू अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस कितना है, ट्रैफिक है कि नहीं है, लोकेशन कितनी दूर है, टाइम कितना लगेगा, ऑल दोज थिंग्स. राइट, ठीक है. अच्छा, लेकिन डू यू नो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव मैप जो था वो किसने बनाया था, इदरीसी था, हिज नेम वाज इदरीसी, अ मुस्लिम. राइट, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मोस्ट ऑफ द नोन वर्ल्ड को मैप कर लिया था, एंड इट इज समथिंग अमेजिंग, क्योंकि ना कोई सैटेलाइट्स हैं, यू कैन नॉट सी द अर्थ फ्रॉम अबव. राइट, सो ही मैंने कि उसने बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाया था. एक जगह के ऊपर रहते हुए आपको क्या पता कि ये जो कंट्री है ये आगे जाके टर्न हो रहा है तो किस तरह चीज़ बन रही है. लेकिन उसने अरेबियन पेनिनसुला की बिल्कुल सही शेप बनाई थी, उसने नॉर्दर्न अफ्रीका की शेप बिल्कुल ठीक बनाई थी, उसने यूरोप की शेप बिल्कुल ठीक बनाई थी. यस, देवर एरियाज जहाँ पे अभी तक नहीं पता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये किया था. इस साइंस को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी.
राइट कार्टोग्राफी. तो इट वॉज ही वॉज समवन जो कि एक मुस्लिम था, उसने बना के ये चीज़ दी थी. हाँ माइंड उसके अंदर होता ना ये. तो ये कहाँ से आई थी? ये इस फील्ड के अंदर से आई थी. मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं ना अलजबरा, राइट? तो अलजबरा क्या है? व्हाट इज अलजबरा? इट इज़ द अरबिक टर्म अल. ये अल है, ए एल जो है ना उसका, हाँ ये अल के साथ है, अलजबरा है, राइट? इट वॉज ये मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन थी. एल्गोरिदम्स हम बनाते हैं जब आई बिलोंग टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो पहले आपको एक एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, फिर उसकी कोडिंग होती है. तो वो भी अलगोरिदम था असल में, जिसको इंग्लिश के अंदर हमने क्या बना दिया? एल्गोरिदम बना दिया हमने. देर आर सो मेनी इन्वेंशन बाय द मुस्लिम्स, ठीक है? तो अब क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ कभी नहीं अचीव की थी तो वो एक अलग फीलिंग होती है. लेकिन अगर आपने कोई चीज़ अचीव की है, फॉर एग्जाम्पल एक माउंटेन है जो आपने पहले हाइकिंग की हुई है उसकी, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होता है कि नेक्स्ट टाइम आप हाइकिंग कभी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? आप कहेंगे यस आई कैन बिकॉज आई हैव डन इट बिफोर. ऐसे ही होता है ना, जो चीज़ आपने पहले अचीव की हुई है तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं. कोई आपसे पूछेगा ना, ये तो बहुत दूर है, ट्रेल 3 तो बहुत दूर है, तो कोई भी नहीं कर सकता होगा, एकदम से आप कहेंगे नहीं कर सकते हैं, आई हैव डन इट बिफोर. दूसरा कहेगा कि करके दिखाओ दोबारा, आप कह देंगे ना यस आई कैन डू इट अगेन. आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह देंगे कि आई कैन डू इट अगेन, राइट? एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी नहीं की थी जिंदगी में, उसके ऊपर जारी बात आप डाउटफुल होंगे कि आई एम नॉट श्योर, पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, ट्राई करके देखूंगा, लेट्स सी क्या होता है. लेकिन जो चीज़ आपने ऑलरेडी पहले की हुई है ना, आई कहेंगे आई हैव डन इट बिफोर, आई कैन डू इट अगेन, इंशाल्लाह आई कैन डू इट अगेन. तो लाइक वाइज इफ मुस्लिम्स हैड अचीव्ड सच ग्रेटनेस इन द पास्ट, हम मुस्लिम्स ने इतनी ग्रेटनेस अगर अचीव की थी पास्ट के अंदर, तो फिर आगे क्या है? वी कैन डू इट इंशाल्लाह अगेन. यस इंशाल्लाह वी कैन डू इट अगेन.